सा व्यंजन है? व्यंजन है ये क, क, क से कबूतर, क से कबूतर, क से कछुआ। कछुआ कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। क से कछुआ, क से कमल। कमल क्या होता है? कमल एक फूल होता है, कमल फूल होता है। क से कबूतर, क से कछुआ, क से कमल। क व्यंजन क। अगला देखो ख, ये कौन सा व्यंजन है? ख, ख से क्या होता है? खरगोश। क्या होता है? खरगोश। खरगोश कैसे भागता है? कैसे भागता है? किस रंग का होता है खरगोश? देखो जरा ध्यान से, सफेद रंग का। ख से खरगोश, ख से खटमल। ये क्या होता है? एक छोटा सा कीड़ा होता है, ठीक है। ख से खरगोश, ख से खटमल, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखें। ग, ग से किस चीज का चित्र बना है? गमले का। किस चीज का है? गमले का। ग से गमला। गमला लगाते हो अपने घर में? लगाते हो। ग से गमला, ग से गधा। अरे ये क्या है? ग से तो गाय भी होती है, होती है ना। ग से गधा, ग से गाय। गाय हमें क्या देती है? दूध देती है। ग से गमला, ग से ये क्या है बताओ? गाजर। कौन सा फल सब्जी है ये? गाजर। ग से गाजर, ग से गमला, ग से गधा, ग से गाजर। अब ये देखिए, ये क्या है? ये है स्वर घ। कौन सा स्वर है? स्वर है घ। घ से क्या होता है? घर, जिसमें हम रहते हैं। घ से घर, घ से घड़ा। ये देखो, आपने प्यासे कौवे की कहानी सुनी है ना, तो कौवा किसमें कंकड़ डालता है? घ से घड़े में। किसमें डालता है? घ से घड़े में। घ से घर, घ से घड़ा, घ से घड़ी, जो हम अपनी कलाई में पहनते हैं। घ से घड़ी। और ये क्या है? अण थाली। समझ में आया? चलो एक बार फिर से रिवाइज करें अण तक। चलो फिर से शुरू बोलिए। अब सभी बच्चों को मैम के साथ बोलना है, ठीक है? बोलेंगे और चित्र को ध्यान से देखेंगे। क से कबूतर, क से कछुआ, क से कमल, ख से खरगोश, ख से खटमल, और ख से क्या होता है? ख से खत भी होता है, लेटर। चिट्ठी लिखते हैं, खत बोलते हैं उसको। ख से और क्या होता है? खत। नेक्स्ट ग, ग से गमला, ग से गधा, ग से गाजर, ख, ख से घर, ख से खड़ा, ख से घड़ी, अण खाली, ठीक है। चलो अब मैं ये व्यंजन आपको बोर्ड पे लिख के एक बार